तो BMW का लेकर जा रहे 15 अगस्त मनाने कालिम्पोंग। हेलो, नाइस टू मीट यू। आप इतना खूबसूरत है, सो आप ये एक फूल तो डिजर्व करती है। आप लोग के वजह से कितना एक्सीडेंट होता है पता है? मेरा लोकेशन ना मेरे को बार बार परेशान कर रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे दादा, अरे यार पिछाड़ी है नूना। कैसे आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आज है 14 अगस्त और आज हम लोग अपने गांव से निकल रहे टूवर्स कालिम्पोंग की ओर। अभी टाइम देख सकते हैं 4:10 हो गया है। गुड मॉर्निंग प्रेम भाई। गुड मॉर्निंग गाइस। क्या हाल है? हाल बहुत ही, सुबह सुबह जाने का मन था गाइस, बहुत ही बड़ा सीन हो गया। सर कैसे हो छोटे भाई लोग, सब ठीक है? सीन क्या हुआ पता है गाइस, हम लोग ना एक्चुअली 5 पीपल एक गड्डी पे जाने वाले थे। हमारे सोनम और सोनम के भैया और दीदी था, बट वहाँ पे ना अपना सोनम का भैया जो है ना, उसको ना सांगे, उसको ना थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गया, तो उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, तो इसी कारण से वो 3 जन नहीं जा पाए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अभी हम लोग को तो निकलना ही है, तो हम और प्रेम भाई अभी निकल रहे हैं कालिम्पोंग की ओर। हालांकि हमारा प्लेन 11 बजे का था बट 4 बज गया, और जाते जाते वैसे भी 6 घंटा लग ही जाएगा, आई थिंक 5 घंटा, क्योंकि वो उस तरफ का रास्ता एक साइड से ब्लॉक है, तो हम लोग को दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। और अपना जो रॉकी है वो तो सिलगुड़ी में मैंने छोड़ के आया था, तो आज हम कालिम्पोंग जा रहे हैं अपने BMW पे, तो इसको लेकर हम जा रहे हैं। सबसे पहले तो मिले बहुत दिनों बाद हमारे माताजी से। पाई लगे माताजी, क्या हाल है? सब बढ़िया? बढ़िया क्या, बेहाल हो रखा है माँ का हालत, कितने महीनों से ना बहुत ही ज़्यादा बीमार है। डॉक्टर भी दिखाया, दवाई खाया, फिर भी नहीं हो रहा है। स्टोन हो रखा है 2 किडनी में। भगवान से प्रे करो कि दोस्तों हम पता ना जल्दी ठीक हो जाए। कैंची तिम्रो रैक रैक रैक। तो गाइस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में आ चुका हूँ, एंड यस BMW देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। हम भी बहुत ही जल्द एडवेंचर बाइक लेने वाले हैं, आप लोग के लिए सरप्राइज है। तो सभी ये काफ़ी दिन बाद मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आई होप कि आप लोग को इस बार मज़ा आएगा 15 अगस्त, बिकॉज लास्ट ईयर जब मैं गया था काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, इसलिए मैं वापस फिर से जा रहा हूँ। हम अपने दुकान पहुंच गए दोस्तों, वो रहा प्रेम भाई, अपना रेनकोट पैक कर लिया है, और 15 अगस्त घूमने के लिए अपना जो कपड़ा था ना सारा ये टॉप बॉक्स के अंदर डाल दिया दोस्तों। ओके गाइस, तो निकलते हैं यहाँ से सीधा। मैंने कितना किलोमीटर देखा था, 180 किलोमीटर है समथिंग यहाँ से वो प्लेस। थोड़ा थोड़ा तो बारिश आ रहा है, बस इससे ज़्यादा बारिश ना आ जाए, क्योंकि बारिश में राइड करना इट्स टू रिस्की यू नो, लाइक हम ब्लॉक भी नहीं कर पाते अच्छे से, और आगे में मतलब बहुत ही इधर उधर मैस हो जाता है यार। और ये देखो अपना गाँव, मतलब चाय बागान है, कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है। बस यहाँ का ना ये रोड अच्छा से जगह जगह में बना दिया है ना, रेली कसम से यार, मरते दम तक आभारी रहूँगा जो भी करते हैं यहाँ में काम ना। हाँ हाल दे कि भागो। अभी हम हसीमारा हाईवे में थोड़ा सा सुसु ब्रेक के लिए रुके थे, और यहाँ पे हमें छोटू मिल गया, जो कि 2 साल पहले मिला था ना, ये हमारे साथ डांस किया था। नाम क्या तुम्हारा? महेश। यहाँ क्या कर रहे हो अभी अकेले? घूमने आए था, जॉगिंग करने। घूमने आए थे, लड़की देखने आया था? आपको देखा था इसलिए यहाँ पे आया मैं। कौन है हम बताओ? लोकलामा। हाँ लोकलामा। लम 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 लम, पानी पानी बनाई दिन्छु आमा कसम। ल गयो ल छोटो, ल दाजु गयो। यार मुझे ना एक चीज़ का दुख है कि अपना सोनम जी ना नहीं आ पाया, क्या करें अब, सिचुएशन ही ऐसा हो गया। कोई ना, अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना। पता है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे हम 5 जन, जाने के लिए पूरा रेडी हो गया था, गाड़ी भी धुलाई कर दिया था, बैग पैक कर दिया था, बट रात को ही बीमार हो गया ना भाई। तो सबसे बड़ा मेन बात तो अपना हेल्थ है ना भाई, हेल्थ ठीक होगा तो आप पूरा दुनिया घूम सकते हो ना, तो इसीलिए भाई को ले गया होगा, आई होप कि जल्दी ठीक हो जाए। एक बार ना मैं यही ब्रिज से होकर सिलगुड़ी जा रहा था भाई साहब, ये साइड में ना भाई कम से कम 30 हाथी था होगा भाई, 30 हाथी साथ में फट गया था भाई मेरा, मतलब देखने में यहाँ से मज़ा आ रहा था। पर आप लोग के वजह से कितना एक्सीडेंट होता है पता है? कैसा इंसान है यार बच्चा। अभी क्या हुआ दोस्तों, हम बीरपाड़ा पहुंचे थे, मेरा कैमरा ऑफ था, ठीक है मैं आगे सीधा जा रहा हूँ, वो साला बिना कुछ लाइट वाइट दिए अपना बाप का रोड समझ के सीधा ऐसा घुसाया। अच्छा हुआ कि मैंने सही टाइम पे ब्रेक लगा दिया। तो भाई पता नहीं ट्रेन कब आएगा, यहाँ पे गेट लग चुका है, दूर दूर तक तो ट्रेन का कोई साउंड ही नहीं है। 1 hour later। भाई भाई गाइस ये देखो भाई, ये क्या सीन है।
भाई ये कैसा ट्रेन है, इसके लिए इतना टाइम लगा दिया यार। सो अभी एक जगह पे रुके हैं दोस्तों, काफी अंधेरा हो चुका है। एंड यहाँ पे देखो भाई, मैप देखो भाई, रास्ता देखो यहाँ पे कैसा है, ये देखो दूर दूर तक, ये देखो पूरा भाई स्नैक की तरह कुकिंग कोबरा, ये देखो भाई। गुरुपथन क्रॉस कर लिया, अभी ऊपर लाबा की ओर जा रहे हैं, लाबा ओके ओके कालिम्पोंग। और यहाँ पे काफी ज्यादा वेदर चिल्ड है दोस्तों, तो हमने लेके आया है तुमापान। ये देखो गाइस, इसको खराब और मत बोलना, इसको असम में तामुल बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे अलग ही होता है। यहाँ पे पान होता है और एक भूटान का होता है दोमा, ठीक है, ये हमारे गांव में भी बनता है ये। और यहाँ पे चमन दिया जाता है और उसके बाद इसको खाई के ये दोमा पान खाने से क्या होता है पता है, ठंड में ना ये गर्मा हार देता है आपका, कान को गर्म रखता है और शरीर से पसीना निकलता है, पता है पसीना निकलता बहुत ज्यादा। चलो लेट्स गो। सो दोस्तों हम लोग लाबा पहुंच गए हैं, एंड 1% भी हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतना ज्यादा ठंड होगा, पता है अगस्त का महीना चल रहा है बट फील लाइक अ दिसंबर भाई। ओए ओए मक्का, ओए मक्का, वो अय्या, बहुत घंटों से भाई ऐसे रास्ते में चल रहे हैं भाई, कब पहुंचेंगे कालिम्पोंग यार, आज तो काफी टाइम लग गया। ये देखो रास्ता देख रहे कितना ज्यादा खराब है यहाँ का, और ये रास्ता ना काफी ज्यादा गाड़ी चल रहा है जो कि नहीं चलता है, तो पक्का उधर का सिलगुड़ी का रास्ता ना ब्लॉक होगा। अच्छा हुआ ये रास्ता आया हम लोग, थक गया यार, बहुत ज्यादा नींद लग रहा है। आज तो मस्त सोएंगे टाइम पर, क्योंकि कल सुबह उठ के 15 अगस्त आपको घुमाना है ना। ब्रदर कौन सी जगह, कौन सी जगह, कालिम्पोंग का था, ओके थैंक यू। ऑल गाड़ा पहुंच गया दोस्तों। ओ और यहाँ पे लोग जैकेट लगा के घूम रहे और हमें पता ही नहीं थे साला, नॉर्मल टी शर्ट में आ गए। सारा घूमने वाला भी ड्रेस है ना सारा, साला टी शर्ट है नॉर्मल भाई हमारा। सो हमारा डेस्टिनेशन ज्यादा दूर नहीं है, पास ही में दोस्तों। और ये देखो ये जो व्यू दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये है पूरा कालिम्पोंग। और प्रेम भाई क्या हुआ, इधर गांड बड़ी बड़ी हुई है, तुम चलो यार। भाई दो भाई का हालत खराब, पता है पूरा कालिम्पोंग घूम के आया है, पूरा देलो वेलो होके रास्ता आया। 9 बजने वाला है, 9 कती बजे निकलेगा, 4 मुझे लगा था 7 बजे पहुंचेंगे, अभी देखो भाई 9 पहुंचने ही वाला है यार। चलो 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 सॉरी दा, मैले हैन त्यहाँबाट छिराउँदा देखेन नि त, हजुर हुन्छ। ये सारे लोग कहाँ जाके आए यार, हाथ में बेलूम वेलूम है, आई थिंक पक्का इधर सामने कहीं मेला होगा यार। यस 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 भाई राम्रो छौ, मेरा पहला पहला प्यार जा रही है मेरे आंखों के सामने, लेंगे एक दिन। अरे यार ये गूगल आंटी ना मेरा माथा खराब कर रहा है यार, बार बार कभी ऊपर रास्ता दिखाता कभी नीचे वाला रास्ता दिखाता, बार बार मैं ऊपर से नीचे हो रहा हूँ यार। और यहाँ पे ये देखो अभी फिर गायब हो गए, यहाँ पे नहीं नहीं दिखा रहा है रास्ता ही नहीं, कसम यार गूगल आंटी। वो देखो पूरा आगे से घूमकर फिर इस तरफ दिखा रहा, क्या हो रहा है भाई, ये माथा खराब हो गया से हमारा। नाइस बाइक एंड नाइस बॉडी, नाइस हेलमेट। भाई भूख के मारे ना मेरा आंख निकलने वाला है दोस्तों, जल्दी होटल पहुंच के ना मन कर रहा है होटल का सारा खाना खा दो, और यहाँ पे इतना गंदा जाम लगा हुआ है ना मैं क्या बताऊँ, अब थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे निकलना। ओ निकल गए। देवी और सज्जनों वेलकम टू कालिम्पोंग, पहुँच चुके हैं हम कालिम्पोंग। एंड यहाँ पे क्या भाई मेला लगा हुआ है क्या, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लोग है, बहुत ज्यादा। अब सोचो अभी तो यहाँ पे इतने सारे लोग है तो कल कैसा होगा भाई, वो अंदर पे ना काफी ज्यादा वो, और मेरा लोकेशन ना मेरे को बार बार परेशान कर रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। दादा फायर स्टेशन कता छ अंकल, फायर स्टेशन ओह्रालो है, हुन्छ थैंक यू हुन्छ हजुर थैंक यू सो मच, ओके ओके ओए ओ। अरे दादा अरे यार पिछाड़ी हेर्नु न कैसे लोग है यार पीछे भी नहीं देखते। सो गाइस अभी अपन लोग जा रहे हैं रूम की ओर, सबसे पहले तो जूतों की हालत देखो दोस्तों, एंड ये पूरा का पूरा गेटअप देख सकते हैं, वैसे आज मैं काफी अच्छा लुक में लग रहा हूँ। एंड यस हम लोग रूम पे आ गए दोस्तों, ये रहा अपना प्रेम दादा, एंड ये अपना रूम है, ये फैन है यहाँ पे, और ये बेड है काफी अच्छा बेड है, और यहाँ से ना ये बालकनी है, आपको मैं कल दिखाऊंगा, अभी तो रात हो गया है ना, तो यही है काफी अच्छा माहौल।
और आपको दिखा दे दूं हमारा ये वॉशरूम है। तो अभी क्या करेंगे, फ्रेश होंगे, खाना खाएंगे एंड उसके बाद लेट्स सी क्या करेंगे बिकॉज काफी ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ।